देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। ऑस्कर 2024 के बाद किलियन मर्फी चर्चा में है। एक्टर को ओपेनहाइमर में अपने परफॉर्मेंस के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें कि एक्टर ने इस थ्रिलर फिल्म में एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया था जो दर्शकों को काफी पसंद आया था। मर्फी को अवार्ड मिलने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम काफी खुश है। उन्होंने एक्टर के नाम एक नोट भी साझा किया है और उन्हें बधाई दी है। इस नोट में यामी ने लिखा, पिछले कुछ वर्षों से किसी भी मौजूदा नकली फिल्म पुरस्कारों पर कोई विश्वास नहीं होने के कारण मैंने उनमें भाग लेना बंद कर दिया है, लेकिन आज मैं एक उम्दा कलाकार के लिए बहुत खुश महसूस कर रही हूँ जिसने अपने धैर्य, अभिनय और अच्छाई से सभी को अपना फैन बना लिया। सबसे बड़े वैश्विक मंच पर उन्हें सम्मानित होते देखना हमें बताता है कि अंत में यह आपकी प्रतिभा है जो किसी भी चीज से ऊपर है। इस नोट पर फैंस का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया क्विन, दूसरे यूजर ने लिखा बहुत आगे बढ़े। जब किसी डिजर्विंग कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो सभी काफी सम्मानित महसूस करते हैं। आपको बता दें कि फिल्म इकबाला के लिए यामी गौतम के नाम को नामांकित न करने की वजह से वो काफी नाराज थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया था और कहा था कि फिल्म बाला के लिए मेरी अनदेखी करते हुए नामांकित न किए जाने से जुड़े अनगिनत संदेशों के कारण मैं अपना पक्ष रखने के लिए बाधित महसूस कर रही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो एक पुरस्कार जीतने की उपलब्धि आत्मविश्वास को और मजबूत करता है, लेकिन इससे भी अधिक नामांकन अपने में आपकी मेहनत और काबिलियत के प्रति प्यार और सम्मान के स्वरूप होता है। एक्ट्रेस ने आगे यह भी कहा कि आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अनुभव ही आपको आत्मविश्वास के लबरेज और मजबूत बनाता है। इस साल मुझे इंडस्ट्री, क्रिटिक्स, मीडिया, साथ के प्रतिभावान कलाकारों और सबसे जरूरी आप दर्शकों से मुझे जो प्यार भरोसा मिला है वो बहुत मायने रखता है। यह मुझे लगातार अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी काफी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, बस कभी हार मत मानिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऑस्कर अवार्ड बीते दिन 10 मार्च को आयोजित हुआ। यह प्रोग्राम हॉलीवुड के डॉबली थिएटर में हो रहा था जहां क्रिस्टोफर नोलन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, सीलियन मर्फी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन का पुरस्कार भी अपने नाम किया। वहीं एम्पा स्टोन ने पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जिसने सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन और मेकअप हेयर स्टाइलिंग के लिए 3 सिल पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने लिली ग्लैडस्टोन को हराया जिसने किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में अपनी भूमिका के लिए कई पुरस्कार अपने नाम किए थे। तो इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।